कभी शादी भी कर गई ना तो ये ऐसा करेगी, मैं इसको फोन पे मरून शेड है एक्चुअली में। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है सैटरडे और अभी हुए हैं इवनिंग के 7 बजे हैं और यहाँ पे हबी भी आज आ गए हैं। और यहाँ पे नाश्ता भी रेडी है। तो आज मैं लेट हो चुकी हूँ, मैंने वेलकम भी जल्दी से नहीं किया है, काजल से बातें बैठ के कर रही थी नींद में से उठ के, और आंटी भी बैठे थे, आंटी ने भी बहुत सारी बातें की, तो वो भी काम करने आए थे, कितनी देर बैठ गए थे, तो मुझे लेट हो चुकी है। मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपके साथ नाश्ता खा के। तो नाश्ता भी खा लिया, अभी चाय रख दी है मैंने, बन रही है फटाफट से। इन्होंने बोला जल्दी से बना, मैं भी आके फटाफट से रख दिया। मैं बोला पहले ही बना लेती हूँ आगे से। काजल और अभी बाजार जा रहे हैं, काजल को कुछ सामान चाहिए था तो वो शॉपिंग करने जा रही है पापा के साथ। एक्चुअली वो सुबह में ही जाने वाली थी लेकिन धूप बहुत थी, तो इन्होंने बोला सुबह में मत चल, बहुत धूप है, तू शाम को चलना, मैं नाश्ता खाने के लिए आऊंगा, साथ में लेके जाऊंगा। तो काजल और अभी जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे फटाफट से। इतना कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा उसको अपने लिए कुछ चाहिए था सामान, कुछ मेकअप वगैरह का चाहिए, तो आ जाएगी काजल भी फटाफट। जब तक मैं अकेली बैठी हूँ, फटाफट से मैंने आज बेड बेड नहीं अरेंज किया है, नींद में से उठ के वो सब अरेंज करना है मुझे, बेड वगैरह सब अरेंज करना है, तो वो अरेंज करूँगी। और आज फर्नीचर भी नहीं किया, पता नहीं मुझे आज सुबह से क्या हो गया। सुबह मैं उठ के इनको बोल रही थी मुझसे कोई काम ही नहीं हो रहा है, आज सुबह मैगी वगैरह बनाई, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं काम घर का, बस बेडशीट वगैरह कर ली, बस इतना हुआ हाल का, और रूम का फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं किया, काम ही नहीं हो रहा है मेरे से। तो ये अपनी चाय लेके भाग रहा है, इतनी जल्दी है, और मैं पीछे पीछे, आगे आगे चलने वाले पीछे में तो चल ली है। कुछ ट्रे के लिए भी इंतजार नहीं कर रहे, मैं ट्रे लेके आऊं साथ में, लो बिस्किट और चाय। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, आप खा लो। ओके एक खाती हूँ, बोल रहे तो एक खाना चाहिए, सुनना चाहिए, कहना मान देना चाहिए। अभी 8 बजे हैं, काजल भी आ गई है, जल्दी से आ गई, जैसे मैंने बोला वो जल्दी आएगी फटाफट मेकअप के सामान लेके, तो अब उसको चाहिए तो वो लेके आई है, और मेरे लिए लिपस्टिक भी लेके आई है। जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही थी व्लॉग में, जो लगाती हूँ ये रेड लिपस्टिक लगाती थी वो खलास हो गई, और ये जो ली है लिपस्टिक ये भी खलास हो गई, मीन्स दोनों खलास हो गई। तो अभी काजल रेड लेके आई है, रेड के जैसा ये कलर, थोड़ा डार्क है, तो मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। अभी काजल को मैं एप्पल काट के दूँ, अभी भूख लगी है उसको जल्दी से, तो फिर उसके बाद फिर दूसरे काम पे लगूं। और मैं आपके साथ लिपस्टिक भी शेयर कर रही हूँ कैसे लेके आई है मेरे लिए काजल। मैं कब से बोल रही थी उसको बाजार जा मेरे लिए लिपस्टिक लेके आ, अब ये भी खलास हो गई। घर में व्लॉग निकालती हूँ तो एटलीस्ट और कुछ नहीं, लिपस्टिक तो लगाती हूँ, नहीं तो ऐसा लगता है ना कुछ भी नहीं, मेकअप करती हूँ ना, खाली लिपस्टिक के बगैर भी शक्ल ऐसे कैसे कैसे लगती है जैसे चेहरा उतरा हुआ है। एक्चुअली खाली लिपस्टिक भी लगाऊंगी ना तो भी ऐसा लगता है मैं रेडी होकर बैठी हूँ, भले फिर नाइट सूट क्यों ना हो, तो थोड़ा चेहरा ना चेंज, फेस थोड़ा चेंज लगता है थोड़ा सा ही, आप भले लिपस्टिक लगा लो, ज़्यादा मेकअप ना करो, भले खाली लिपस्टिक से भी चेंज हो जाता है। तो अभी जल्दी से मैं काजल को एप्पल काट के दूँ, और थोड़ा डार्क लिपस्टिक लेके आइए, जो पहले मैं रेड लगाती थी उसमें थोड़ा डार्क लेके आइए। तो ये फटाफट आ गई, मुझे लगा इसको टाइम लगेगा, जल्दी से आ गई है। तो अभी भी आ चुके हैं, और जैसे मैं बोल रही थी आज मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मैंने खाना सब मंगा लिया है बाहर से, राइस प्लेट, जैसे उस दिन होटल में जहाँ से खा के आए थे वहाँ से ही राइस प्लेट लेके आए हैं। तो अभी खाना लगा रही हूँ मैं जल्दी से।
तो अभी रात के 12 बजे हैं और खाना भी जैसे मैं बोल रही थी आज मेरे से सुबह से कुछ नहीं हो रहा है। खाना भी इन्होंने बोला मैं बाहर से लेके आ रहा हूँ। सुबह से पता नहीं ऐसे क्यों बैठी हूँ, कुछ काम नहीं किया है आज, यहाँ की बेडशीट वगैरह की फर्नीचर नहीं किया। ये तो फर्नीचर रोज़ करती हूँ डेली एक्चुअली में, तो किसी दिन ना करूँ तो चल जाता है। आज साफ़ ही लग रहा था तो इसलिए मैंने देखा अच्छा लग रहा है तो मैंने किया नहीं आज, तो पूरा दिन ऐसे मेरा गया है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो लेके आए जहाँ से आके आए थे रेस्टोरेंट में, बीच में हम गए थे रात में, रात को मम्मी के साथ, वहाँ से ही लेके आए। खाना बहुत अच्छा रहता है वहाँ की। राइस प्लेट थी ना 110 में मिली ना, 100 है ना, 110 में राइस प्लेट मिली और उसमें रोटी वगैरह एक्स्ट्रा लेके आए थे, गुलाब जामुन और रोटी एक्स्ट्रा लेके आए। तो उस हिसाब से मीन्स बहुत ही अच्छा है। 110 में राइस प्लेट एक रहती है, तीन जने उसमें से हम तीनों खा लेते हैं। बिरयानी वगैरह और सब्जियाँ दो रहती है, एक पनीर की सब्जी थी जो फ्राई सब्जी थी, वो अरबी और आलू थे और दाल थी साथ में, पापड़ सब अच्छे से, और रोटी फिर साथ में उन्होंने दो ही दी तो हमने एक्स्ट्रा लिए, तो वो भी अलग से आई, रोटी और गुलाब जामुन एक साथ में दिया तो गुलाब जामुन भी एक्स्ट्रा ये लेके आए। तो जो चीज़ें कम होती ना हम एक्स्ट्रा मंगा के ले लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा वो लेते हैं तो पूरा बढ़ जाता है खाना। बहुत अच्छे से खाया, रोटी राइस बिरयानी रोटी बिरयानी सब्जियाँ बहुत अच्छे से खाया। मैंने तो अरबी खाई, इन्होंने अरबी नहीं खाई, इनको मैंने आलू दे दिए, बोल रहे थे मुझे अरबी नहीं खानी। काजल ने भी नहीं खाई, उसको भी ना कैसे अच्छी लगती है जो मैं फ्राई करती हूँ ना वो अच्छी लगती है अरबी घर में, जैसे मैं बनाती हूँ ना बॉयल करके घर में भुगा राइस के साथ बनाती हूँ, ऑनियन वाले राइस, तो काजल को वो पसंद आती है। तो काजल को बोल रहे तू अरबी खाती है, ये बोल रहा है तू खा ना अरबी, तो बोली नहीं मैं ये अरबी नहीं खाऊंगी। मैंने बोला आपकी बेटी ऐसी नहीं खाएगी ये अरबी, उसको मेरे हाथ का ही बना खाना अच्छा लगता है, जैसे आलू टुक हुआ, अरबी हुई, सांभर वगैरह हुआ, कड़ी राइस हुए, तो इसको ना ये चीज़ें ना सिर्फ मेरे हाथ की ही खाना पसंद आती है और कहीं पर भी नहीं खाएगी, ऐसी है। मैं तो इनको चलाती हूँ कभी शादी भी करके गई ना तो ये ऐसा करेगी, मैं इसको फ़ोन पे बताऊँगी ना कड़ी राइस बनाए या आलू का पराठा बनाया है या तो इडली सांभर हुआ या सांभर राइस ऐसे वगैरह बताया ना, तो ये सब कुछ छोड़ के आ जाने वाली है वहाँ का। मैं यहाँ पे खाऊंगी नहीं, मम्मी ने ये बनाया मैं वही जाके खाऊंगी, ये ऐसी है आ जाएगी, मैं मम्मी मैं भी खाऊंगी। उसको मेरे हाथ का ही पसंद आता है, ये कहीं बाहर का भी ऐसा नहीं पसंद करती है, जो जो चीज़ें खास करके मेरे हाथ से कुछ ऐसी चीज़ें रहती है ना जिसको पसंद है वो मेरे हाथ की बनी हुई खाएगी, किसी के हाथ की भी नहीं। और जो लिपस्टिक बोल रही थी तो काजल ये लेके आई है, तो ये हुडा ब्यूटी लिखा हुआ है लेकिन ओरिजिनल हुडा ब्यूटी नहीं है, तो रेड कलर की है ये। मरून शेड है एक्चुअली में, मरून शेड लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन शेड बहुत ही अच्छा लग रहा है शेड ये, तो ये मैं कल लगाऊंगी व्लॉग में तो देखेंगे कैसा लगता है, लेकिन बहुत डार्क लग रही है अच्छी मस्त, मैं लगा के देखूंगी ना कल, बहुत अच्छी है शेड, अच्छा लेके आइए और घर में चल जाएगा ऐसे। मैंने बोला ये हुडा ब्यूटी की जो हम लिखते हैं ओरिजिनल नहीं होती है बट यहाँ पे ऐसे ही मिलती है, तो ये डेली यूज़ में ठीक है ना, व्लॉग में लगाती हूँ तो उस हिसाब से ये ठीक है, तो कल मैं ये लगाऊंगी। और कल का जो वीडियो है अभी अभी पोस्ट हो रहा है, मे भी आप सबको हो पसंद आया हो, बहुत अच्छा था, सिंधी में मस्ती की थी हम लोगों ने, काजल ने और मैंने, तो काजल ने जैसे बात शेयरी तो वो मस्ती हो गई बहुत कल, तो अभी बैठ के काजल एडिट कर रही थी, मैं भी देख रही थी और हंस रहे थे, अभी भी हंस रहे थे दोनों माँ बेटी। तो इसी के साथ ही मैं आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जब भी वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस ब्लॉग में न्यू आए हैं मेरे पहले वाले ब्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपको कल एक नए व्लॉग में, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ, ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ, ढेर सारी खुशियों के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। तो काम तो अभी सब हो चुका है, बस अभी मैं चेंज करके अपना कपड़े सूखने डालने हैं, कपड़े धुल गए हैं, वहां पे बकेट रख दी है अभी ने, रख के दी है, मैं नहीं उठाती हूँ, ये रख के देते हैं वहां पे पड़ी है, वहां से मैं अभी सूखने डाल दूंगी पहले पहले कपड़े, उसके बाद मैं चेंज करूंगी और उसके बाद मैं बैठ के टीवी देखूंगी और उसके बाद फिर सोऊंगी, मैं टीवी देख के एंजॉय करके बाद में सोऊंगी। और आज का ब्लॉग तो छोटा ही है, होप आप सबको पसंद आए, क्यों तो आज ऐसा ही दिन गया मेरे से जैसे कुछ नहीं होना था, तो सुस्त पड़ी थी, कभी कभी ऐसा हो जाता है,
मेरे से थोड़ा जल्दी जल्दी होता है। मैं मिलती हूँ आपको कल, बाय।